हरियाणा में साइबर क्राइम इन दिनों हर सीमा को लांघ रहा है। जनता, प्रशासन और अब सांसद और विधायक भी इस क्राइम के शिकार हो रहे हैं। बदमाश जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों के साथ भी फ्रॉड करने से नहीं चूक रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल सांसद धर्मवीर सिंह एक पब्लिक मीटिंग में बैठे हुए थे। इस दौरान उनके व्हाट्सएप पर घंटी बजी और जैसे ही सांसद धर्मवीर ने व्हाट्सएप से आई वीडियो कॉल को उठाया तो सांसद महोदय के होश उड़ गए। वीडियो कॉल में न सिर्फ अश्लील वीडियो चल रही थी बल्कि स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। वहीं मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सांसद के सचिव ने शिकायत में बताया है कि सांसद ने अश्लील वीडियो को तुरंत ही काट दिया और इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाना में दर्ज करवाई। कुछ सेकंड की इस वीडियो कॉल को करने वाले क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय सांसद श्री धर्मवीर जी के पीए द्वारा हमारे पास एक दरखास्त दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि माननीय सांसद जी के पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई और वीडियो कॉल पर जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल को पिक किया तो उस पर सामने से एक न्यूडी वीडियो चलने लगी जिसके संबंध में उन्होंने दरखास्त दी। दरखास्त पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर अभियोग दर्ज किया गया है और दरखास्त के संबंध में हम महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण करके शीघ्र ही आपके सामने आरोपियों को गिरफ्तार करके पेश करेंगे। नंबर के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई मुलजिम सामने आता है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। सांसद महोदय की यही एप्लीकेशन आई है कि वो पब्लिक मीटिंग में मौजूद थे, उसी टाइम उनके पर्सनल मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई थी जो वीडियो कॉल को उनके पीए द्वारा पिक किया गया। जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल को उठाया वीडियो पे सामने से एक न्यूड वीडियो चल रही थी जिसका उन्हें थोड़ी देर बाद एहसास हुआ तो उन्होंने वीडियो को कट कर दिया और इसके बाद उन्होंने पुलिस को दरखास्त दी जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही। ये एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल थी। पब्लिक से अपील है कि इस तरह के कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट ना करें, आप उसको वेरीफाई करें, अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो उसमें अपना फेस कैप्चर ना करें। SHO विकास ने बताया कि अनजान वीडियो कॉलर के नंबर को ट्रेस कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ब्लैकमेल व धोखाधड़ी के अंदेशे से की गई इस वीडियो कॉल का नंबर कहां कहां है और इसे करने वाला कौन है इसका पता लगाने का कार्य किया जा रहा है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।